अस्सलाम वालेकुम सैयदा वॉइस पर आप सबको खुश आमदीद। साथियों, एक और नई और सच्ची अनोखी कहानी के साथ फिर से हाजिर हैं। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ दिल की गहराई के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और उससे पहले हमारे चैनल सैयदा वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। मेरा नाम राहिला है, मैं कॉलेज में पढ़ती थी तभी मुझे एक लड़का पसंद आ गया, दानिश। फिर हमने एक दूसरे से पसंद की शादी कर ली। अपने शौहर से मैं बहुत मोहब्बत करती थी, दानिश मेरी जिंदगी थे। हमारी शादी घर वालों से लड़कर हुई थी। मेरे माँ बाप ने तो मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैंने सबके खिलाफ जाकर ये शादी की। दानिश के बगैर मैं रह नहीं सकती थी। वो गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे और मैं अमीर खानदान की इकलौती लाडली बेटी थी, करोड़ों की जायदाद की अकेली वारिस। और इस सूरत में अपने घर वालों को मैंने बहुत खफा किया। मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई कि अपने वालदैन को मैंने नाराज कर दिया। मैं दानिश की मोहब्बत में शहर से दूर आ गई। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। फिर हमारा एक ही बेटा हुआ जो हमारी जान बन गया। गर्ज की जिंदगी मुकम्मल थी, सब कुछ था मेरे पास। दानिश की मोहब्बत, मेरा बेटा दानियाल। घर वाले तो मुझे अपनी बेटी समझते ही नहीं थे और मुझे इस बात की परवाह भी नहीं थी क्योंकि मुझे लगता था कि दानिश के होते हुए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन शादी के 10 साल बाद जब मेरा बेटा 9 साल का हुआ तो मुझे लगने लगा कि दानिश मुझसे दूर हो रहे हैं। वो मुझसे अब बात भी कम किया करते, रात में मेरे पास भी नहीं आते थे और अक्सर कहते कि उन्हें जरूरी काम है और वो दूसरे शहर जाते हैं। शहर जाते तो 2 दिन तक वापस नहीं आते। शुरू में मैं समझी कि जरूरी काम होगा और कारोबार की वजह से उनको दूसरी जगह जाना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया था। और दानियाल के आते ही हमारे घर में बहुत पैसा आ गया था। अब किसी चीज की कमी नहीं थी। एक गरीब आदमी अब बहुत अमीर बन गया था और ये मेरे बेटे की खुशनसीबी थी। मैं यही समझी कि जाहिर सी बातें हैं कि कारोबार फैल गया है और दानिश के काम भी बढ़ गए हैं, तभी वो इतना मसरूफ है। लेकिन 3 साल गुजरने के बाद मुझे अब कुछ शक होने लगा। मेरा बेटा अब 13 साल का हो गया था। इसी तरह करते करते कई साल और बीत गए। दानियाल जब 16 साल का हुआ तो एक दिन मेरे सामने ये राज खुला कि मेरा शौहर तो किसी और का हो चुका है और ये कई सालों से चल रहा है। उनकी एक सेक्रेटरी थी, उसके साथ उनका नाजायज चक्कर था जिसकी वजह से अब वो उसे शादी करना चाह रहे थे क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये खबर मुझ पर पहाड़ बनकर टूटी। दरअसल घर में एक फाइल रखी हुई थी जिसमे उनका निकाहनामा था और वो खत थे जो उनकी सेक्रेटरी ने उन्हें लिखे थे। यानी मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अब तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगी वरना मैं सबके सामने ये राज उगल दूंगी। और अब जाहिर सी बात है वो तो उसी के होकर रह गए थे। ये सब मेरे पीछे हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर मेरी मोहब्बत को मेरे शौहर ने क्यों नहीं देखा। आखिर मेरा मोहब्बत करने वाला शौहर क्यों किसी और तरफ गया जिसकी खातिर मैंने अपने जान से प्यारे माँ बाप को छोड़ दिया। यहाँ अकेली रहती हूँ लेकिन उसने मेरा ख्याल नहीं किया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने एक दिन उससे बात करने की ठान ली। और जब दानिश घर पर आए तो मैंने कहा, आपने ही क्या किया, क्या किया मेरे साथ? मैंने आखिर क्या कमी छोड़ी थी आपको प्यार करने में? आपसे इतना प्यार करती थी मैं और आपने मुझे धोखा दिया? तो कहने लगे, तुम्हें कैसे पता चला? मेरे हाथ में वो फाइल थी। मैंने कहा, इससे पता चला। और वैसे भी कई सालों से आपकी हरकतें देख रही थी लेकिन अब हद हो गई। और जब पता चला कि आपने शादी भी कर ली है या शादी करने वाले हैं ये नहीं पता, बहरहाल आपका एक बच्चा है जो कि नाजायज है। तो सही है, तुम्हें सब पता चल गया है तो अच्छी बात है, तुम्हें पता चलना ही था। आपको ये भी नहीं दिखा कि आपका एक 16 साल का बेटा है? तो बजाय शर्मिंदा होने के कहने लगे, चलो मैंने कहा ना पता चल गया है, ठीक है, या तो मेरी जिंदगी में शराफत से रहो, मुंह बंद करके रहो, मैं अपनी दूसरी बीवी को भी अपने साथ रखूंगा और तुम्हें कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, आप मुझे छोड़ेंगे जिसकी खातिर मैंने सारी दुनिया छोड़ दी, अपने बाप का दिल दुखाया, जिनकी मैं लाडली इकलौती उनकी जायदाद की इकलौती वारिस बेटी थी, जो मेरी खातिर न जाने कितना सदमा सहते रहे, और आपने उस लड़की को छोड़ने की बात की है, यानी मुझे? तो कहने लगे, हाँ तो क्या हुआ, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अलग कर दूं तो मैं तुम्हें अलग कर दूंगा और मेरा बेटा वो तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि मेरा बेटा तो हो गया है ना, तो मुझे इस बच्चे की भी कोई जरूरत नहीं है। वो ऐसी बातें कर रहे थे, मुझे लग रहा था वो पागल हो गए हैं। उस वक्त मैं इतनी जज्बाती हो रही थी कि उस आदमी की खातिर मैंने क्या कुछ ना किया, अपने बाप को मैंने दुखी किया जिनकी मैं इतनी लाडली थी, अपनी करोड़ों की जायदाद मैंने छोड़ी इस आदमी के लिए, और आज जबकि ये खुद
करोड़ों का मालिक बन गया है तो इसने मेरी जगह किसी और को दे दी, यहाँ तक कि मेरे बेटे की जगह भी किसी और लड़के को दे दी। मैंने कहा ठीक है, मुझे तलाक दो, मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूँ। तो उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरा बेटा है, बल्कि उसी वक्त उसने मुझे 3 तलाक दे दी और कहा जाओ अपने बेटे के साथ जहाँ जाना है जाओ। मैं कहा जाती, उस वक्त मैं जज्बाती हो रही थी, मैंने मुझसे ये बात निकाली तो मेरे शौहर ने सोचा भी नहीं और उसी वक्त मुझे तलाक दे दी। जाहिर सी बात है, उनकी दूसरी बीवी जो उनके साथ थी और ये बात उन्होंने प्लानिंग के तहत की थी, यानी मुझे तलाक देना, मुझे छोड़ना, इतना मजबूर कर दिया था कि मैं खुद निकल जाती घर से और मुझे निकलना ही पड़ा। अब मेरा निकलना तो लाजमी ही था, फिर मैं कहाँ जाती, मैं घर बदर हो गई थी, मैं पढ़ी लिखी तो थी, अपने घर जा नहीं सकती थी क्योंकि मेरे बाप ने मुझे कबूल नहीं किया था, ना वो आगे जाकर मुझे कबूल करते। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, नौकरी करूंगी तो उस वक्त के लिए घर तो ढूंढना पड़ेगा। फिर हम एक यतीम खाने में आ गए, वहां पर मैंने थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया। फिर जबकि इतने पैसे जमा हो गए कि मैं वहां से निकल सकूं, तो हमने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। अब मैं नौकरी करने लगी थी, नौकरी तो मैं कर ही रही थी, इस बीच क्या क्या हुआ कैसे बताऊं, जब खाने को कुछ ना होता, मेरा बेटा भी छोटा मोटा काम कर रहा होता। फिर जब मैंने कुछ पैसे जमा किए और किराए के घर में आ गई थी तो मेरा कोई नहीं था सिवाय मेरे बेटे के। हम दोनों माँ बेटा अकेले तन्हा जिंदगी गुजारने लगे, ना मेरे घर वाले थे, ना मेरा शौहर या उसका बाप। मेरा दानिश तो मुझे ऐसे भूला था कि मैं कहीं भी उसकी जिंदगी में थी ही नहीं, मुझे यकीन नहीं आता था। लेकिन मेरा बेटा मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। एक दिन मैं अपने बेटे के साथ सो रही थी, क्योंकि मेरा शौहर तो मेरे पास था ही नहीं, तो वही मेरे साथ सोता था, क्योंकि मुझे रात में डर लगता था। मेरी आंख खुली तो वो मुझे ही देख रहा था। मैं चौंक गई, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ आप इतनी खूबसूरत हैं, पापा ने आपको क्यों छोड़ा? मैंने कहा मोहब्बत अंधी होती है, जब मैंने तुम्हारे बाप से मोहब्बत की तो उस वक्त मैं अंधी हो गई थी, और जब उसने अपनी सेक्रेटरी से की तो वो अंधा हो गया। बस मैं कहा दिखती उसे? दानियाल ने कहा आप इतनी यंग है, शादी कर ले माँ। मैंने कहा और तुम, तुम्हारा क्या होगा? मैं लड़का हूँ, संभाल सकता हूँ, मैं अच्छी तरह खुद को देख सकता हूँ, कोई बहन तो है नहीं जिसकी जिम्मेदारी होगी। मैं हूँ ना, मैं हॉस्टल में चला जाऊंगा। बेटा मेरा कोई मूड नहीं है। पर ऐसा कैसे चलेगा, सो जाओ बेटा। उसने कहा आप क्यों ऐसी बातें टाल रही हैं? मैंने कहा देखो मुझे शादी नहीं करनी, तुम्हारे बाप के बाद मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आ सकता। मैंने उसे सच्ची मोहब्बत की है, वो चाहे मेरे साथ जो भी करे, बेवफाई करे या मुझे दगा दे या मेरी जगह किसी और को उसने दे दी है, लेकिन मैं उसे नहीं भूल सकती, मैं उसे अब भी मोहब्बत करती हूँ। क्या सच में आप उनसे मोहब्बत करती हैं? अगर वो कभी आपकी जिंदगी में दोबारा आ गए तो क्या आप उन्हें कबूल करेंगी? ये मोहब्बत बड़ी बेगैरत चीज होती है बेटा, जब किसी से हो जाए ना और जब वो लौट कर आता है तो उसे कबूल कर लिया जाता है। सो जाओ, सोने का वक्त हो गया है। वो तो सो गया लेकिन रात भर मैं जागती रही, उसकी बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। यानी मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया था कि मेरे बारे में ऐसा सोचने लगा था। अब उसका ये सवाल रोज रोज होने लगा। उसने कहा अकेली क्यों है, अपनी जिंदगी में किसी को लेकर आए, कुछ अच्छा नहीं लगता, आप इस तरह अपने आप को जाया कर रही हैं। मैं हर बार उसे नजरअंदाज कर देती, पर एक दिन वो घर आया और चेहरे पर कुछ फिकरात के निशान थे। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो? तो बोला एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कई दिनों से। तो कहने लगा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने, कहो। तुम्हारे अंदर इतनी परेशानियां चल रही थी और तुमने मुझसे ये बात शेयर नहीं की, बोलो क्या बोलना चाहते हो? मैं पापा से मिला हूँ, बहुत बूढ़े लग रहे थे वो। बूढ़े? हाँ, और गाड़ी उनकी कुछ भी उनके पास नहीं था, कह रहे थे तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने कहा अब क्यों ख्याल आ रहा है? कहने लगे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया तुम्हारी माँ को छोड़ने के बाद। उस औरत ने जो मेरी दूसरी बीवी थी मुझे सब कुछ लूट कर कंगाल कर दिया, सब कुछ अपने बेटे के नाम करवा कर मेरे पास से ले गई। मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक गाड़ी, एक घर, न मेरी बीवी, न मेरा बेटा, कोई भी नहीं है। तो मैंने उनसे कहा आपने जो कुछ माँ के साथ किया है क्या वो सही है? तो कहने लगे कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसके पैर पकड़कर माफी मांगूंगा, मैंने उसका दिल दुखाया है, उसने मुझसे इतनी मोहब्बत की और मैंने उसके साथ क्या किया। मम्मी वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा जब तक माँ इजाजत नहीं देगी मैं आपको उनसे मिलने नहीं दूंगा, तो तुम क्या कहते हो? आप उनसे मिलने, उनकी हालत ठीक नहीं है। मैंने उस शख्स से मोहब्बत की थी और वो मोहब्बत जो कभी खत्म नहीं हुई थी उसकी बेवफाई की वजह से भी, और आज उसके दर्द के बारे में सुना तो फिर से वो मोहब्बत जा गई। मैं आपके बारे में उनसे बात नहीं कर सकता। और जब मैंने कहा
ठीक है, उनको बुला लो। अगर तुम खुश हो तो मैं उनसे मिल सकती हूँ। और फिर एक दिन वो अपने बाप को लेकर आ गया। वो सच में बहुत बूढ़ा लग रहा था। वो मेरा दानिश है, मैंने यकीन नहीं किया। मैंने कहा, क्यों किया मेरे साथ दानिश, ऐसा क्यों किया? बस बह गया था, तुमको ठुकराकर अपने आप को बर्बाद किया। इतना पैसा कमाया अपने बेटे के नसीब से, इतना बड़ा कारोबार जमा किया, लेकिन क्या हुआ, वो औरत सब खा गई, लूट कर ले गई मुझसे। मुझे माफ कर दो, वापस लौटाओ मेरी जिंदगी में। मैं भी रोने लगी। मेरा बेटा सब देख रहा था। मम्मा आप शादी कर लें पापा से। बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्या आपकी शादी नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मुझे हलाला करना पड़ेगा। क्या होता है हलाला? मुझे पहले किसी और से निकाह करना पड़ेगा, फिर उसकी बीवी बनकर जब वो चाहेगा मुझे तलाक देगा, फिर इद्दत गुजार कर तुम्हारे पापा से शादी हो सकेगी। इतना लंबा प्रोसेस, पर अब कैसे ढूंढेंगे जिसे निकाह करेंगी? ये बहुत मुश्किल काम था। सब उदास बैठे थे। मैंने अपने शोहर की खताओं को माफ कर दिया था। पूरा सोच कर गुजारी कैसे हलाला। इसी कैफियत पे कई दिन गुजर गए। एक दिन मेरा बेटा मेरे पास आया और मैं सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो कहने लगा, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, बोलो। क्या हुआ? मैं चाहता हूँ कि आपके और पापा की शादी हो जाए। अरे तुम फिर से शुरू हो गए, बार बार ये कहते हुए थकते नहीं हो? कैसे होगी शादी? नहीं हो सकती। तुम्हारे बाप ने जो कुछ किया है मुमकिन ही नहीं। जब तक हलाला नहीं होगा, इस हलाले के लिए मैं तैयार हूँ। क्या पागल हो गए हो? आपका कोई भी शौहर नहीं बनेगा। तुम्हारे बाप ने मेरे साथ जो कुछ किया है उसके बावजूद तुम राजी हो कि मैं तुम्हारे पापा से ही शादी करूं? हाँ, क्योंकि वो सच में नादिम है और वो लौट कर आए हैं कभी न जाने के लिए। मैंने कहा, मैं भी उन्हें बहुत चाहती हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में वो आ जाए, लेकिन हलाला तो करना ही पड़ेगा। तभी तो कह रहा हूँ कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हलाला हो जाएगा मैं आपको छोड़ दूंगा। बकवास बंद करो बेटा। तुम मुझे छोड़ दोगे या मुझसे शादी कर लोगे या मेरे साथ रात गुजारोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें कहते हुए? मैं आप दोनों को मिलाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप पापा से शादी कर लें, बस मैं आपको तलाक दे दूंगा दूसरे दिन। मैं नहीं रखूंगा अपने पास। मैं उससे नाराज हो गई। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बेहुदा बातें करते हुए, जबकि तुम मेरे बेटे हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ वो सब करूं? वो चला गया। कई दिनों तक हमारी बात नहीं हुई। फिर एक दिन वो मेरे पास आया। उसने कहा, माँ मान जाए ना, अब मेरा दिल भी नहीं लग रहा था। दानिश के बिना मेरे पल नहीं गुजर रहे थे। मैंने कहा, पर ये कैसे हुआ? उसने कहा, मैं आपसे निकाह करूंगा और फिर उसके बाद एक रात आप मेरे साथ गुजारेंगी। मैं दूसरी सुबह ही आपको तलाक दे दूंगा और आप फिर इद्दत गुजार कर पापा से शादी कर लीजिएगा। क्या ये सही है? मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप दोनों एक साथ रहें। मैं आपको अकेला नहीं देख सकता। मैं आप दोनों की हालत देखकर परेशान हो रहा हूँ, तो मोहब्बत करने वालों को फिर से मिलाना चाहता हूँ। बस अब वो भी अपने अंदर घुटता जा रहा था और मुझे भी फिक्र हो रही थी। फिर एक दिन मेरे बेटे ने वो काम कर लिया जो कभी करना नहीं चाहिए था। मुझे आज भी अफसोस है कि मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। मुझे हलाला कराने के लिए मेरा बेटा ही मिला था। उसने अपने एक दोस्त के जरिए से एक ऐसे काजी को बुलवाया। उसको ये नहीं बताया कि मैं उसकी माँ हूँ, बल्कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। बस ये बताया हमारा निकाह हो गया और ये बात मैंने दानिश को नहीं बताई, वरना वो कभी भी इस बात को कबूल नहीं करते। फिर मैंने रात अपने उस बेटे के साथ गुजारी जिसको मैंने जन्म दिया था। उसको अपना शौहर बना लिया। वो कहने लगा, आप इतनी खूबसूरत हैं, आप डिजर्व करती हैं कि आपसे बहुत मोहब्बत की जाए, और मुझे उम्मीद है कि पापा आपसे बहुत मोहब्बत करेंगे। फिर उसने मुझे दूसरे दिन तलाक दे दी। जब मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई तो मैंने अपने शौहर से कहा, क्या मैं तुम्हारे पापा के साथ शादी कर सकती हूँ? तो कहने लगा, तो मैंने आपके साथ ये सब क्यों किया? आपने कभी पूछा है मुझसे? जबकि आप मेरी माँ हैं और मैं जानता हूँ कि एक माँ बेटे के साथ ये काम नहीं कर सकती है। न बेटे के दिल में ये ख्याल आएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि जब मैं आपको देखता था आप अकेली सरवाइव कर रही थी, और जब आपने बताया कि आपने पापा से सबसे लड़कर शादी की है, पापा बहक गए, उस औरत ने उनके साथ बहुत बुरा किया था, उनको लूट कर खा गई, पापा उसकी वजह से आपसे बेवफा हुए। लेकिन जब वो मुझसे मिले थे ना, तो बार बार कहते तुम्हारी माँ मेरे पास कैसे आएगी, अब तो वो किसी के साथ रात गुजारेगी तभी मेरे पास आएगी, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा कि वो किसी और की बीवी बने, और अगर किसी और की बीवी बन भी गई तो ये तो उस पर है ना कि वो उसे दिल से तलाक दे, क्योंकि मर्जी से ये सब किया जाता है। तो मैंने सोचा अगर आप किसी और से शादी करती तो वो तो आपको छोड़ता नहीं, आप इतनी खूबसूरत हैं, वो आपको हरगिज़ नहीं छोड़ता।
और इसमें हमारा ही नुकसान होता। फिर मैंने ये सब काम किया। आपको मनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने अपने बाप और आपके लिए ये सब काम किया है। मैं क्या करता, मैं बहुत नादिम हूँ। मैं नहीं चाहता था कि आपको मैं अपने साथ इस तरह मजबूर करूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि आप किसी और के साथ रहें, क्योंकि पापा ने मुझसे कहा था मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। अगर वो मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। वो जज्बाती नहीं हो रहे थे, बल्कि वो सच कह रहे थे। वो इतने ज्यादा नादिम थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। बल्कि एक दिन तो उन्होंने मेरे सामने खुद को मारने की भी कोशिश की। तो क्या तुम अपने बाप से मिलते थे? हाँ, जिस दिन से मैंने आपसे कहा था कि आप शादी कर लें, उस दिन से मैं अपने बाप से मिल रहा था, लेकिन अपने बाप से शादी नहीं करवा सकता था। इसी वजह से जब आपने मुझे बताया कि हलाला होता है और उसके लिए आपको किसी और के पास जाना पड़ेगा, तब मैंने पापा से कहा, क्या ये सच है कि एक औरत को अपने पहले शोहर के पास आने के लिए किसी और मर्द से शादी करनी पड़ती है और उसके साथ उसकी बीवी बनना पड़ता है? तो पापा ने कहा, हाँ, यही तो सजा है मर्द की, कि उसकी बीवी किसी और के पास से होकर उसकी बीवी बनकर खुद उसे मिलती है, या उसकी मर्जी है वो उसे तलाक दे या ना दे। बस ये सब बातें थी कि मैं मजबूर हो गया आपको मजबूर करने पर। और जब आपको देखा कि आप पापा से शादी करना चाहती हैं, उनसे मोहब्बत करती हैं, उनकी बेवफाई को भी भूल गई हैं, तब मैंने सोच लिया था कि मुझे ये सब करना पड़ेगा। मुझे माफ कर दें, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा आप दोनों को मिलाने के लिए। और आप अब जब दोनों मिल जाएंगे तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। मैंने कहा, तुमने जो कुछ किया है वो अपने माँ बाप की खुशी के लिए किया है, लेकिन बेटा ये गलत भी है। तुम नहीं जानते मैं कितना शर्मिंदा हूँ इस बात पर, लेकिन मुझे कोई शर्म नहीं है माँ, ना ही मुझे गिल्ट है, क्योंकि मैंने जो किया है उस पे मेरे दिल में सिर्फ आप थी और पापा थे। उसके बाद उसने कहा कि पापा से बात कर लें कि वो आपसे शादी कर लें। तो मैंने दानिश से कहा, दानिश अब आप मुझसे शादी कर सकते हैं? कहने लगे, हलाला वो मेरा काम था, मैंने कर लिया, इतनी जल्दी मुझे बताया भी नहीं। बस कुछ बातें बताने के लिए नहीं होती, ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती। और इस तरह मेरी शादी दानिश से तो हो गई, लेकिन जिससे मैंने हलाला किया वो मेरा बेटा था। एक रात उसके साथ गुजार कर जितनी मुझे शर्म आई, मैं ही जानती हूँ आज भी मैं शर्म के गढ़े में घिरी रहती हूँ। अपने बेटे से नजर नहीं मिला सकती, जबकि वो तो बहुत नॉर्मल रहता है, लेकिन मैं उस रात को नहीं भूल सकती। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बेटे के साथ एक माँ ने वो रात गुजारी और फिर दूसरे दिन उसने तलाक दे दी? हलाला करने का ये तरीका क्या ठीक था? मुझे पता है एक गुनाह है और बहुत बड़ा गुनाह है। आज तक इस गुनाह की पादाश में जल रही हूँ। सिर्फ अपने दानिश को पाने के लिए मैंने खुद को उस गढ़े में गिरा दिया है जो कि बदनामी का गढ़ा है, जो कि आग से भरा हुआ गढ़ा है। एक तरफ मैंने अपने माँ बाप को नाराज किया, उनकी जिंदगी से निकली, और फिर अपने शोहर को पाने के लिए मैंने नाजायज हद को भी पार कर लिया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकती।